देखो है दीवानो ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। प्रभु श्री राम के नाम पे जमीन के घोटाले का धंधा भारतीय जनता पार्टी के लोग अयोध्या धरती पर कर रहे हैं, प्रभु श्री राम की धरती पर कर रहे हैं। और इस बात का खुलासा सबसे पहले मैंने किया था और बताया था कि किस तरीके से ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 16.5 करोड़ में खरीदी 5 मिनट के अंदर। और आपको याद होगा कि उस समय एक बहुत चर्चित नाम आया था ऋषिकेश उपाध्याय का, जो भारतीय जनता पार्टी का मेयर है। और आज मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे बाद भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय सांसद लल्लू सिंह ने चिट्ठी लिख के कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की नगरी में जमीन का घोटाला हो रहा है। और आज उन अवैध कॉलोनियों को बनाने वाले, जमीन का घोटाला करने वाले लोगों की सूची जारी हुई है। जानते हैं पहला नाम कौन सा है? ऋषिकेश उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी का मेयर, भारतीय जनता पार्टी का नगर का विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ, और ऐसे कई नाम है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, लंबी सूची है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, प्रभु श्री राम के नाम पर आस्था रखकर देश के करोड़ों लोगों ने चंदा दिया प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का, लेकिन वहां पर कभी कभी ट्रस्ट घोटाले करते हुए नजर आता है, कभी कभी भाजपा के नेताओं के नाम आते हैं करोड़ों रुपए के जमीन के घोटाले में, कॉलोनियां बना रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनके असली चेहरे को पहचानिए, इनकी आस्था भगवान श्री राम में नहीं है, इनकी आस्था भ्रष्टाचार में है, जमीन घोटाले में है।